हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एडवांस एक्सेल का फ्लैश चल रहा है, तो मैं एडवांस एक्सेल के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं बात करूंगा गवर्नमेंट जॉब की। आज मैंने कई सारे जगहों पे और कई सारे लोगों से मिला जो कि गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे थे, और हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध बिहार के ही हैं ट्रेनर, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2% लड़कों को नौकरी होती है, बाकी 98% जो निकलते हैं वो भी बहुत अच्छा एजुकेटेड होते हैं। तो उन्हीं के जवाब में मैंने वीडियो बनाया है कि 10 साल, जी हाँ, एक स्टूडेंट कम से कम 10 साल गवर्नमेंट नौकरी की प्रिपरेशन करता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या आईएएस हो, या एक छोटा सा क्लर्क का जॉब। एटलीस्ट 10 साल तो, 10 साल तो उसकी प्रिपरेशन करता ही करता है। कुछ लोग तो और ज्यादा करते हैं, अपनी 10th की एग्जामिनेशन दोबारा देते हैं, दोबारा ग्रेजुएशन करते हैं, अपनी एज को चेंज करके, आधार कार्ड पे चेंज करके, और दोबारा से कुछ और मौके पाते हैं और तैयारी करते हैं और एग्जाम्स देते हैं। ये उन सब के लिए एक, चाहे जो भी गवर्नमेंट जॉब की नौकरी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है कि हमें पता है कि 100 में से 98 लोगों को नौकरी नहीं होगा, 2 लोग होंगे, तो उन 2 की रेस में हम आते हैं। हम आपका मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं कि आप जीतेंगे नहीं, लेकिन हार गए तो क्या कीजिएगा। और जो बड़े प्रसिद्ध है जिन्होंने बताया कि 2% के बाद 98% भी उनको भी समझ ज्यादा होती है, एक हारा हुआ इंसान फ्रस्ट्रेटेड मन से क्या झंडे गाड़ देगा। मैं बताता हूं सर कि आफ्टर प्रिपरेशन जब जॉब नहीं लगेगी तो बंदा क्या करता है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, सेल्समैन की नौकरी करता है, एलआईसी एजेंट बनता है, रिकवरी एजेंट बनता है, कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बाकी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि आप प्रिपरेशन कीजिए, जी जान से लगा के प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन बैकअप तैयार रखिए, हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए। अगर आपका प्लान ए गवर्नमेंट जॉब है, यूपीएससी है, आईएएस है, आईएफएस है, तो प्लान बी आपके पास किसी कंपनी का मैनेजर, किसी कंपनी का सीईओ, या कोई पर्टिकुलर एक व्यवसाय का ऑनरशिप होनी चाहिए। इसलिए जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू करें तो प्लान बी पे भी काम करना शुरू करें, भले ही उस पर जोर कम लगाए, लेकिन प्रिपरेशन रखें, प्लान बी हमेशा रखें। प्लान बी में आपको मदद करेगा एक्सेल, जी हाँ, कोई किसी कंपनी के अंदर आप जाएंगे, आपके पास किसी चीज का स्किल्स नहीं होगा तो आप डिलीवरी बॉय, सेल्समैन, सिक्योरिटी गार्ड जैसी नौकरी को ही करेंगे। इसलिए टेक्निकल फील्ड में आइए, एक्सेल को अच्छा कीजिए, एक्सेल अच्छा करने के बाद किसी भी कंपनी के अंदर बैक एंड सपोर्ट में, फ्रंट एंड सपोर्ट में, और बहुत सारे जगहों पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपको एक्सेल आता है तो बहुत सारा काम आप ऑफिस के अंदर कर सकते हैं। और जितने भी एकेडमी वगैरह हैं जो कि बड़े बड़े बैनर्स लगाते हैं कि ये इतना, ये फलाना पास हो गया, ठिकाना पास हो गया, 1 लाख में अगर 2 पास होता है तो ये 9,99,998 लोगों का पोस्टर पे नाम नहीं होता है। तो अपना अपना सक्सेस दिखाते हैं लेकिन अपने फेलियर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जो सक्सेस है वो उनका फ्रंट एंड है, बैक एंड तो उनका फेलियर है जो उनका पैसा कमा के दे रहा है। इसलिए हमेशा एक बैकअप प्लान रखिए। गवर्नमेंट जॉब ठीक है, अच्छी है, सिक्योर है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब से क्या लग रहा है कि आप बिलियन बन जाएंगे? नहीं, गवर्नमेंट जॉब जस्ट आपको पेट भरने की ही तरीका देता है, उससे ऊपर जाना है तो आपको कुछ गलत काम करना होगा, या फिर आपको आना पड़ेगा उद्यमी में, बिजनेस में,
या फिर किसी कंपनी के अंदर आना पड़ेगा, तब आपको पुश मिलेगा और उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जिस ऊंचाई का आपने सपना देखा है। थैंक यू।